इसीलिए हो रहा है यूपीएससी टफ। यदि मेंस आपसे पूछे कि भारत के सबसे मुश्किल एग्जाम कौन सा है, तो बिना एक पल की दूरी किए आप कहेंगे यूपीएससी, कहेंगे ना? और आपका जवाब गलत भी नहीं होगा, क्योंकि यूपीएससी को वाकई भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में शामिल किया जाता है। आजादी के बाद से आज तक यूपीएससी की परीक्षा के पैटर्न और सिलेबस में कई बदलाव हुए, लेकिन जो एक चीज है जो आज तक नहीं बदली, वो है इस परीक्षा का टफनेस लेवल। इस परीक्षा को जितना कठिन 50 के दशक से माना जाता था, उतना ही कठिन ये आज भी मानी जाती है। आज के वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर वो कौन से कारण हैं जो यूपीएससी को इतना मुश्किल बनाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये कैसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है इसीलिए हो रहा है यूपीएससी टफ। यूपीएससी को मुश्किल बनाने के पीछे कोई एक कारण नहीं है, बल्कि ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो यूपीएससी को इतना मुश्किल बनाते हैं। आइए देखते हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहला, सिलेबस। यूपीएससी परीक्षा को विशाल और विविध पाठ्यक्रम के कारण भारत में सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। यूपीएससी पाठ्यक्रम में शामिल विषय विशाल और विविध हैं, जिससे सबसे जानकार और अनुभवी उम्मीदवारों के लिए भी परीक्षा की तैयारी करना मुश्किल हो जाता है। सिलेबस में इतिहास, भूगोल, राजनीति, विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि जैसे सभी प्रमुख विषयों के विषय शामिल है। हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उम्मीदवारों की विशाल संख्या और सीटों की सीमित संख्या के कारण यूपीएससी परीक्षा प्रक्रिया बेहद प्रतिस्पर्धी है। हर साल 10 लाख से अधिक उम्मीदवार परीक्षा में बैठते हैं, और केवल कुछ हजार ही अंतिम रूप से चुने जाते हैं, क्योंकि ये परीक्षा में अंग्रेजी अनिवार्य विषय है, जो कि अधिकांश उम्मीदवारों की पहली भाषा नहीं होती है, तो उनके लिए ये और भी कठिन हो जाती है। परीक्षा की कठिनाई स्तर पर भी काफी अधिक है। इस प्रकार केवल सबसे समर्पित और मेहनती उम्मीदवार ही परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा का एक अन्य कारण ये है कि ये भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS में जाने का एकमात्र तरीका है। ये भारत सरकार में सबसे प्रतिष्ठित पद है, और यूपीएससी परीक्षा देने वाले शीर्ष 0.1% उम्मीदवारों की ही चयन किया जाता है। प्रतिस्पर्धा इतनी भयंकर है कि जिन उम्मीदवारों ने सबसे अच्छे स्कूलों में पढ़ाई की है और जिनके पास सबसे अच्छे ग्रेड्स हैं, वो भी अक्सर इसमें भाग लेने में असफल हो जाते हैं। मार्किंग स्कीम। यूपीएससी परीक्षा की मार्किंग स्कीम उम्मीदवारों की गंभीर रूप से सोचने और दिए गए डेटा का विश्लेषण करने की क्षमता का एनालिसिस करने के लिए डिजाइन की गई है। परीक्षा को 3 खंडों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक का अलग अलग वेटेज है। पहला खंड सामान्य अध्ययन 100 अंकों का है, और इसे 2 पेपरों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक 50 अंकों का है। दूसरा खंड वैकल्पिक विषय 200 अंकों का है, और इसे 2 पेपरों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक 100 अंकों का है। तीसरा खंड साक्षात्कार 300 अंकों का है, इसलिए परीक्षा के लिए कुल अंक 600 है। परीक्षा 2 भागों में, भाग 1 और भाग 2 में आयोजित की जाती है। भाग 1 300 अंकों का है और भाग 2 300 अंकों का है। यूपीएससी के पास CSE के लिए 2 स्तरीय मार्किंग स्कीम है। पहले चरण में उम्मीदवारों की प्रत्येक विषय में मिनिमम कट ऑफ मार्क्स प्राप्त करना आवश्यक होता है। दूसरे स्तर में मेरिट लिस्ट है, जहां उम्मीदवार को उनके कुल अंकों के अनुसार रैंक दी जाती है। यूपीएससी प्रत्येक विषय में भी क्वालिफाइंग अंक तय करता है। क्वालिफाइंग मार्क्स आमतौर पर काफी हाई होते हैं, और अक्सर इसे ऊपर की ओर संशोधित किया जाता है। परिणाम स्वरूप CSE को पास करना कठिन हो जाता है। कट ऑफ, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए कट ऑफ अंक भी अलग अलग होते हैं। लिखित परीक्षा का कट ऑफ आमतौर पर साक्षात्कार के कट ऑफ से अधिक होता है। यूपीएससी परीक्षा के लिए कट ऑफ अंक आमतौर पर अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के कट ऑफ से अधिक होते हैं। यूपीएससी परीक्षा के लिए कट ऑफ आमतौर पर उन वर्षों में अधिक होती है, जब परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या अधिक होती है, जब प्रतिस्पर्धा कठिन होती है। परीक्षा का पैटर्न। यूपीएससी परीक्षा 3 चरणों वाली प्रक्रिया है। पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद मुख्य परीक्षा, और अंत में साक्षात्कार होता है।
प्रारंभिक परीक्षा हर साल मई और जून में आयोजित की जाती है। ये एक बहु विकल्पीय प्रश्न पत्र है जिसमें दो पेपर, पेपर एक और पेपर दो शामिल होते हैं। पेपर एक सामान्य अध्ययन और पेपर दो वैकल्पिक है। अभ्यर्थियों को दोनों पेपर हल करने होंगे। मुख्य परीक्षा हर साल अक्टूबर नवंबर में आयोजित की जाती है। ये एक लिखित परीक्षा है जिसमें 9 पेपर और 2 क्वालिफाइंग पेपर शामिल हैं। क्वालिफाइंग पेपर ए भारतीय भाषाओं में से एक और पेपर बी अंग्रेजी है। बाकी 7 पेपर्स को 2 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप एक में 4 पेपर होते हैं और ग्रुप दो में 3 पेपर होते हैं। उम्मीदवारों को कुल मिलाकर 5 प्रश्न पत्रों का प्रयास करना होगा, जिनमें से 2 समूह एक से और 1 समूह 2 से प्रयास करना होगा। इंटरव्यू हर साल जनवरी फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है। यह अंतिम परीक्षा चरण है और यूपीएससी द्वारा आयोजित किया जाता है। पूरी परीक्षा का पैटर्न इतना विविध है कि इसे साधने में बहुत कुशलता की आवश्यकता होती है और 2 परीक्षाओं के बीच समय भी बहुत अधिक नहीं होता है, जिसके कारण बहुत सारे अभ्यर्थी इसके आगे बेबस नजर आते हैं। लेकिन इन तमाम मुश्किलों के बावजूद हर साल लाखों विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठते भी हैं और पूरी मेहनत से अपनी दावेदारी भी पेश करते हैं, और शायद यही इस परीक्षा की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।